चुंडा से हमने लिया है, उसमें आज हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी क्या होती है उसकी डिफिनेशन पहले देखेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जो ये ब्रांच साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का अध्ययन करते हैं वही इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है उसे इंटिग्यूमेंट कहते हैं। तो ये जो इंटिग्यूमेंट होता है वो काइटिनस होता है और इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट। इट हैज़ ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज टू सर्व द एक्सोस्केलेटन एज फ्रेमवर्क फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड बैरियर फॉर रिटार्डिंग लूज ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ इंसेक्ट बॉडी। जो ये बॉडी वॉल होती है, इंटिग्यूमेंट होता है, वो इंसेक्ट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बॉडी होती है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं जो एज अ फ्रेमवर्क का काम करते हैं मसल्स में और बैरियर वाटर लॉस को भी रोकने का काम करते हैं। उसके बाद में देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इंटिग्यूमेंट। जो इंटिग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो थ्री लेयर्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल एंड सेकेंड लेयर होती है इपीडर्मिस, और इपीडर्मिस को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, और थर्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूटिकल के बारे में देखते हैं क्या है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंटिग्यूमेंट। जो क्यूटिकल है वो इंटिग्यूमेंट की सबसे बाहरी लेयर है और जो क्यूटिकल है ये काइटिन से बना होता है। मतलब काइटिन इसमें 25-60% पाई जाती है और प्रोटीन इसमें 25-40% पाई जाती है, और ये नॉन सेलुलर होती है और नॉन लिविंग होती है, और जो हाइपोडर्मिस के सेक्रेशन से बनती है। और हाइपोडर्मिस बताए थे अभी कि हाइपोडर्मिस इपिडर्मिस को बोलते हैं। तो जो क्यूटिकल होती है वो हाइपोडर्मिस के सेक्रेशन से बनती है। उसके बाद में क्यूटिकल को फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, इपी क्यूटिकल एंड प्रो क्यूटिकल। तो जो फिर इपी क्यूटिकल होती है वो नॉन काइटिनियस प्रोटीन की लेयर होती है, और प्रो क्यूटिकल जो होती है प्रो क्यूटिकल में काइटिन और प्रोटीन लेयर पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं काइटिन क्या है। जो काइटिन होता है वो इट इज़ अ नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल चेन्स ऑफ एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूकोसामिन रेसिड्यू। जो काइटिन होता है वो नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड्स होता है, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जिसमें बहुत सारी चेन्स पाई जाती हैं एसिटिल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकोसामाइन की। उसके बाद में देखते हैं आर्थ्रोपोडिन। ये आर्थ्रोपोडिन एक प्रकार की प्रोटीन है, जो ये द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द इंसेक्ट आर नोन एज आर्थ्रोपोडिन। जो ये आर्थ्रोपोडिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो इंसेक्ट के बॉडी वाल या इंटिग्यूमेंट के निर्माण में सहायक होती है। इट इज़ अ अनटाइंड प्रोटीन एंड वाटर सॉल्युबल। ये अनटाइंड होती है और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है। उसके बाद में देखते हैं स्क्लेरोटिन। तो स्क्लेरोटिन क्या है, इट इज़ अ टैन प्रोटीन और डैट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। जो आर्थ्रोपोडिन है वो अनटाइंड प्रोटीन है और वाटर सॉल्युबल है, स्क्लेरोटिन है जो वो वाटर इनसॉल्युबल है और टैन प्रोटीन है। उसके बाद में देखें रेजिलिन। ये इलास्टिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विंग्स एंड स्क्लेराइट। ये रेजिलिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है, इलास्टिक प्रोटीन है, जो इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उनके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में सेकेंड वन इसका इंटिग्यूमेंट का जो सेकेंड पार्ट है वो इपीडर्मिस है। इपीडर्मिस को ही हाइपोडर्मिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि इट इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी वॉल। जो ये इपीडर्मिस है वो बॉडी वॉल की सेकेंड लेयर है। सेकेंड इसका जो सेकेंड फीचर है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एक्टिव लेयर ऑफ बॉडी वॉल। जो इपीडर्मिस होती है ये यूनिसेलुलर एक्टिव लेयर होती है बॉडी वॉल की। उसके बाद में थर्ड इसका मेन फंक्शन है, इपीडर्मिस इज अ सेक्रेट क्यूटिकल। अभी मैंने ऊपर बताया था जो उस क्यूटिकल का सेक्रेशन इपीडर्मिस या हाइपोडर्मिस से होता है वही है। थर्ड इसके में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ इनर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर ऑफ इंसेक्ट इंटिग्यूमेंट विच इज मसल आर अटैच्ड। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर और नॉन सेलुलर होती है जो इंसेक्ट के इंटिग्यूमेंट और मसल से अटैच रहती है। उसके बाद में देखते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग नाम से पता चल रहा है, मोल्टिंग मीन्स होता है कास्टिंग या शेडिंग। मतलब जो इंसेक्ट जो होते हैं वो अपनी क्यूटिकल को वो शेडिंग करते हैं, मतलब निकालते हैं अपने शरीर से, वही मोल्टिंग है। तो इसमें लिखा है द कास्टिंग एंड शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल
इज नोन एज मोल्टिंग। जो ओड क्यूटिकल है उसको निकालना ही मोल्टिंग कहलाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। मोल्टिंग जो है ग्रोथ इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। और इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एपोलाइसिस एंड एक्टाइसिस। अब एपोलाइसिस क्या है? एपोलाइसिस है इट इज़ बिगनिंग प्रोसेस विद सेपरेशन ऑफ ओड क्यूटिकल फ्रॉम अंडर लेइंग एपिडर्मल सेल। एपोलाइसिस जो है वो बिगनिंग प्रोसेस है जिसमें ओड क्यूटिकल को अंडर लेइंग एपिडर्मल सेल से सेपरेट करती है, अलग करती है। एक्टाइसिस क्या है? इट इज़ अ एंडिंग प्रोसेस। ये लास्ट एंडिंग प्रोसेस है मोल्टिंग की विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड रिमेन क्यूटिकल। जो बची हुई क्यूटिकल है वो एक्टाइसिस के द्वारा वो सेपरेशन इसका क्यूटिकल का होता है। उसके बाद में दिया है, हम जानते हैं कि लार्वा के से चार फॉर्म होते हैं, निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब, मैगट। तो किसके लार्वा को निम्फ कहते हैं, किसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, किसके लार्वा को ग्रब कहते हैं, किसके लार्वा को मैगट कहते हैं, ये देख लेते हैं। जो निम्फ है वो ए मैच्योर स्टेज है बग्स की, व्हाइट फ्लाई की, एफिड की, जेसिड की। मान लो जैसे ऑर्डर हेमिप्टेरा है, ऑर्डर हेमिप्टेरा में ये सारे इंसेक्ट्स आते हैं। और जो ग्रास हॉपर है और लोकस्ट है और आर्थ्रोपोडा के, उनको भी निम्फ कहते हैं। कैटरपिलर है, कैटरपिलर द लार्वी ऑफ बटरफ्लाई, मोथ, बॉलवर्म, मॉथ एंड सेमीलूपर्स। ये सब जैसे ऑर्डर लेप्रोटेरा है, इनकी इमैच्योर स्टेज को हम कैटरपिलर कहते हैं। ग्रब जो है वो बीटल्स, जो बीटल्स होते हैं, वीबल्स होते हैं, जैसे ऑर्डर कोलिप्टेरा के अंतर्गत जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उनकी इमैच्योर स्टेज को हम ग्रब कहते हैं। मैगट जो है, हम जानते हैं मैगट ऑर्डर डिप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट आते हैं उनकी इमैच्योर स्टेज को मैगट कहते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं थोड़ा सा इंसेक्ट एंटीनी के बारे में। जो इंसेक्ट की एंटीनी होती है वो सिंगल पेयर होती है जो मोस्ट इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। और एंटीना के तीन पार्ट होते हैं, स्केप जो बेसल पार्ट होता है, पेडिसिल एंड फ्लेजिला। ये एंटीनी के तीन पार्ट हैं, स्केप, पेडिसिल एंड फ्लेजिला। उसके बाद में देखते हैं एंटीनी का जो मेजर फंक्शन है वो स्मेल का है, टेस्ट करने का है। ऑन सम इंसेक्ट्स हेयरिंग, जो कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे मॉस्किटो है उसमें सुनने का भी, एंटीनी से सुनने का काम भी किया जाता है। और कुछ इंसेक्ट्स में साउंड प्रोड्यूसिंग एज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के रूप में भी एंटीनी वर्क करती है, जैसे मोल, क्रिकेट्स है। इनमें जो सेकेंड सेगमेंट है एंटीना का वो साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो हंसन ऑर्गन भी पाया जाता है एंटीनी में। उसके बाद में देखिए एंटीनी का स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें यहाँ पर, और टाइप्स ऑफ एंटीनी भी दिया गया है इसमें। एग्जांपल जैसे सिटेसियस एंटीनी है, इसका जो एग्जांपल है काकरोच है, लीफ हॉपर्स है। उसी प्रकार जो फिलीफॉर्म है, ग्रास हॉपर है। एक दो क्वेश्चन तो इससे अधिकतर बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे यूपी कैटेट हुआ, बीएचयू हुआ, और जितने भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं मोस्टली जिसमें एंटोमोलॉजी पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है टाइप्स ऑफ एंटीनी से मोस्टली। जैसे फिलीफॉर्म में ग्रास हॉपर हो गया, मोलीफॉर्म में टर्माइट्स हो गया, सेरेट में पल्स बीटर हो गया, पैक्टिनेट में साफ फ्लाई हो गया, बाई पैक्टिनेट में सिल्कवाम मॉथ हो गया, प्लूमोज में मेल मॉस्किटो हो गया, होड में मैंगो मिली बग हो गया, क्लेवेट में बटरफ्लाइज हो गया, कैपिटेट में खपरा बीटल हो गया, और जिनिकुलेट में बीज, अंट्स, वीबल्स हो गया, और एरिस्टेट में हाउस फ्लाइज हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स के, कि माउथ पार्ट्स कितने प्रकार के इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे पहला है बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट्स, जो इसमें है उसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं चार और पांच होते हैं, पांच सॉरी। उसमें पहला जो है लेब्रम, लेब्रम को अपर लिप बोलते हैं, और मैंडिबिल, ये अपर लिप होती है लेब्रम, और मैंडिबिल वन पेयर होता है, और मैगजिली, ये भी पार्ट्स ऑफ कार्डो स्ट्रिप्स, गेलिया, लेगेनिया एंड मैगजिली पाल्पी होती है। और जो लेबियम है ये लोअर लिप होता है। हाइपोफेनिक्स एक टंग लाइक स्ट्रक्चर, जीव जैसी फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, और उसी में एक हाइपोफेनिक्स पाया जाता है, सॉरी इपीफेनिक्स पाया जाता है, जो टेस्ट बर्न्स में लोकेट रहता है। इसमें एग्जांपल हैं बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ग्रास हॉपर आता है, लोकस्ट है, क्रिकेट है, टर्माइट्स है, बीटल्स एंड स्लाइटली मॉडिफाइड इन लार्वल लेप्रोटेरा। उसी प्रकार सेकेंड माउथ पार्ट पाया जाता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, बग टाइप एंड मॉस्किटो टाइप।
तो बग टाइप में होता है, जो बग टाइप में क्या होता है, ये दे सक द सैप फ्रॉम प्लांट। इसमें दो फोर स्टाइलेट्स एंड दो मैगजिली पाई जाती हैं और दो मैंडिबल पाए जाते हैं। किसमें? पियर्सिंग एंड सेकेंड टाइम्स में। इसमें बग्स में पाया जाता है, एफिड्स में पाया जाता है, जैसिड में, वाइट फ्लाइज में, लीफ हॉपर्स में पाया जाता है। उसके बाद में सेकेंड वन है मॉस्किटो टाइप, जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो दूसरा पार्ट है वो मॉस्किटो टाइप है। सक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, जो मॉस्किटो होता है, हम जान रहे हैं कि जो ब्लड सक करता है एनिमल्स से सर करता है। इसमें छः स्टाइलेट पाया जाता है और इसमें एडिशनल दो लैबियम, दो लैब्रम और एपिफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें मॉस्किटो है। उसमें फिर थर्ड है स्पॉन्जिंग टाइप। इसमें हाउसफ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। उसके बाद साइफनिंग टाइप्स जो हैं वो बटरफ्लाई में पाए जाते हैं। चिविंग एंड लाइपिंग टाइप्स जो बीज और वास में पाए जाते हैं। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप अक्सर पूंछ लिया जाता है, जो थ्रिप्स में पाए जाते हैं, खुरचने का काम करते हैं अधिकतर। उसके बाद में इंसेक्टलेक्स देखते हैं। इसके मॉडिफिकेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन इसमें दिए गए हैं वो देख लें। एम्बुटोरियल जैसे है तो कॉकरोच में पाया जाता है। सार्टोरियल है वो हैंड लेग ग्रासहॉपर के हैं। ऐसे फुसोरियल है डिगिंग वर्क करते हैं। और नाटाटोरियल जैसे ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। मोस्टली नाटाटोरियल जो है वो स्विमिंग का काम करते हैं और हैंड लेग्स और वाटर बग इसमें होता है इसका एग्जांपल। उसी प्रकार रेपेटोरियल है, प्रेइंग मेंटिस में रेपेटोरियल टाइप का होता है। और फोरेजियल पोलन कलेक्टिंग इंसेक्ट लेग्स होते हैं। तो गाइस हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।